हमारे साथ भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी खुर्शीद अहमद मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनकी कहानी के बारे में जानेंगे। ये खुर्शीद अहमद है। खुर्शीद अहमद यहाँ पर गोरखपुर में एक पंचर की दुकान चलाते हैं, साइकिल बनाते हैं। आपने खेल की वो चकाचौंध वाली दुनिया भी देखी होगी जहाँ पे एक जीतने के बाद करोड़ों रुपए दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, और खिलाड़ियों को तमाम मंचों पे बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, और प्रधानमंत्री तक बुलाते हैं और प्रधानमंत्री अपनी दावत देते हैं और स्पेशल कई ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। लेकिन खेल की एक और नगरी है, खेल की एक और गली है, जिन गलियों में तमाम लोग वो आते हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए तमाम काम करते हैं। जैसे खुर्शीद अहमद हैं, पंचर की दुकान चलाते हैं, साइकिल बनाते हैं, ऐसे ही बहुत से लोग हैं। कुछ लोग पत्रकारिता करते हैं, कुछ लोग अलग अलग फील्डों में, और तमाम जितने भी फील्ड हैं हर फील्ड में वो लोग होते हैं। लेकिन क्या कहानियाँ होती हैं, सक्सेस रेट क्या होता है, सफलता जो मिलती है कुछ ही लोगों को मिलती है, वो 1% लोगों को मिलती है। खेल में ये कहा जाता है, ये सत्यता है कि खेल में एक आदमी जीतता है और एक हारता है, लेकिन एक जो जीतता है उसे सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाती हैं, सारी सफलताएं का श्रेय जो है उसी को जाता है। लेकिन वो क्या जिसने खेला और खेलने के बाद उसे निराशा मिली, लेकिन जीवन में और भी कई सारी परिस्थितियां आती हैं और रास्ते बदलते चले जाते हैं। तो खुर्शीद अहमद से ही जानते हैं, आप ये दुकान कब से चला रहे हैं? लगभग 10 साल से। 10 साल से ये दुकान चल रही है। हाँ, दुकान तो बहुत पुरानी है, 60-65 साल पुरानी है। 60-65 साल मतलब पुश्तैनी दुकान है आपकी, यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो खेलना कब शुरू किया था आप, खेल के अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। 2003 या 2004 पे स्टार्ट किया हमने। फिर आगे क्या क्या चीजें रही खेल में, कहाँ तक खेला? भाई को देख के प्रेरित हुए, मेरे भाई भी जावेद वो भी खिलाड़ी रह चुके हैं हॉकी के, और हमने खेलना स्टार्ट किया शुरू शुरू में। फिर हमने 2005 में हाई स्कूल किया, 7 में इंटर किया, 10 में मैंने बीकॉम किया। पढ़ाई के साथ खेल भी चल रहा था। बीकॉम किया है हमने। और फिर हॉस्टल्स वगैरह कहाँ पे गए आप, कहाँ तक खेले? हॉस्टल का बहुत ट्रायल दिया हमने, स्टेट हॉस्टल का नहीं हुआ। उसके बाद से साई हॉस्टल है जो बरेली में है, 2009 में हमने ज्वाइन किया है। 9, 10, 11 3 साल थे वहाँ पर। उसके बाद नेशनल भी खेला? हाँ, उसके बाद से हमने 2011, 12, 13, 14 4 साल कंटिन्यू नेशनल खेला। 4 साल कंटिन्यू नेशनल खेला। फिर आगे क्या परिस्थितियाँ थी, नौकरी वगैरह में आपने अप्लाई नहीं किया? नौकरी में अप्लाई बहुत से जगह किए, कुछ जगह पे सोर्स वगैरह नहीं था जिसके कारण नहीं हो पाया, और हमने बहुत कोशिश भी किया नौकरी के लिए, ट्रायल वगैरह बहुत दिए हमने, लेकिन कहीं सफलता हाथ नहीं लगी। फिर हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, अबू की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इस चक्कर में हमको दुकान भी देखना रहता था, तो हम दुकान ही देख रहे थे। तो मतलब आप ये जो काम कर रहे हैं, आप इससे कितना खुश हैं? खुश तो है, लेकिन एक खिलाड़ी के उस पर देखिएगा तो नाखुश हैं। भाई एक खिलाड़ी खेलता है अपनी सफलता पाने के लिए, एक नौकरी पा जाता है खिलाड़ी, या छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी हो, उसके लिए वही बहुत होता है। जब खेलना आपने स्टार्ट किया होगा तो बहुत सारे सपने होंगे, बहुत सारे आपके आइकन होंगे जिनको देख के आपने शुरू किया होगा, और क्या सपने थे आपके जब आपने? तो बहुत से आगे तक खेलने के सपने थे, लेकिन नहीं हो पाया। घर की स्थिति ऐसी थी, जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट भी नहीं हो पाया, और पैसे के कारण मजबूरी थी। हाँ, मतलब कि वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन पढ़ाई लिखाई अब्बू ने हमारे अच्छी कराई। हाँ, आपने अच्छी पढ़ाई भी की है। जैसे कि लोग सफलता का जो मानक सेट किए हुए हैं, लोग जैसे कहते हैं कि अच्छी नौकरी और अच्छी सारी चीज़ें, तमाम चीज़ वो चीज़ें भी होती हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, जैसे कि ये भी एक काम है, एक बिजनेस है, और ये चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपने शुरुआत की और ये, बहुत ऐसे लोग जो होते हैं कमज़ोर तबके को वही करते, बहुत से लोग हैं। अभी यही दुकान अगर बड़ी कर दी जाए, थोड़ा सा ताम झाम हो जाए तो और बड़ी लगने लगेगी, तो फिर वो लोग बताते हैं कि ये बिजनेस है हमारा और ये सारी चीज़ें हैं, तो खुशी रहती है आपको इससे? हाँ, खुश है, इसी से घर चल रहा है, सारी चीज़ें चल, घर चल रहा है, घर परिवार इसी दुकान से चल रहा है, और कोई जरिया है नहीं कोई आमदनी आने का। अच्छा, खेल में एक आम लोगों की धारणा होती है कि आप खेल से हैं, जैसे आप हॉकी खेल रहे थे और तमाम अलग खेल हैं, क्रिकेट है और फुटबॉल है, तमाम चीज़ें हैं, सब खेलते हैं। लोगों के मन में एक रहता है कि ये स्पोर्ट्स के हैं, खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इनको आसानी से नौकरी मिल जाती है। नहीं, नौकरी मिलने की बात नहीं, नौकरी तो मिल ही जाती है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिसका नहीं हुआ है इसमें, सिलेक्शन नहीं होता, वो नर्वस हो जाते हैं, जो खेल के देते हैं उनका नहीं होता तो नर्वस होंगे ही। जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो खेल के भी देते हैं, अच्छा वो करते हैं, लेकिन वैकेंसी जिस तरह से आती हैं, देखेंगे तो 2010 के बाद से वैकेंसी तो लगभग ना के बराबर है। जो वैकेंसी आ रही है, ग्रुप डी जब से बंद हो गया, बहुत से लड़के बेरोजगार हो गए। ग्रुप डी बंद होने के बाद बहुत से खिलाड़ी जो है वो बेरोजगार हो गए। ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, रेलवे से लेके
जितने भी तबके आते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, हर डिपार्टमेंट ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, जैसे जो एग्जाम्स वगैरह क्लियर करते हैं, सारी कैटेगरी वाइज रहती है। लेकिन जो लोग खेल से आते हैं, चूंकि पढ़ाई में ऐसा वो होता है कि ज़्यादा टाइम वो खेल पे दे देते हैं, तो पढ़ाई हल्की सी डाउन हो जाती है। तो ग्रुप डी उनके लिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी में ज़्यादातर खिलाड़ियों का वो रहता है, तो ग्रुप डी के वैकेंसियाँ कम होने पर ज़्यादा दिक्कतें बढ़ी हैं ये। जी बिल्कुल, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है प्लेयरों की। ग्रुप डी की जब से वैकेंसी बंद हुई लॉकडाउन के बाद से, खिलाड़ी बहुत से जो हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं बेचारे। जैसे हम यहाँ पंचर बना रहे हैं, ऐसे और भी जो खिलाड़ी हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलेगी। आपने जब नेशनल खेल रहे थे उस टाइम पे, आपके पीक पे रहे होंगे, खेल अच्छा रहा होगा, लगातार चार नेशनल खेले, उस दौरान आपने वैकेंसी वगैरह के लिए मतलब अप्लाई नहीं किया था? हाँ, ट्रायल दिया था मैं 2013 में, 14 में लगातार कंटिन्यू ट्रायल लिया हूँ ऑडिट का, पर किस्मत नहीं थी। शिमला में गए, वहाँ आग लग गया, फिर उसके बाद से हम ग्वालियर आए, ग्वालियर में जुगाड़ा नहीं था, जो पैसा चल गया नहीं हो पाया मेरा, कोई जानने वाला नहीं था। बाकी वहाँ जो सेलेक्टर थे, जो अधिकारी थे, वो बोले थे कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। तब इस सारी चीज़ों को लेकर आप ये कह रहे हैं कि परिस्थितियाँ जो होती हैं उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, कि कौन कहाँ पे है। जी, आपके साथ बहुत से लोग बहुत पोस्टों पे होंगे, अलग अलग जगह। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो अच्छे पोस्टों पे हैं, रेलवे में हैं, कुछ ऑडिट में हैं, कुछ पुलिस में हैं, कुछ बेचारे नहीं हैं जो हमारे ही तरह हैं, नहीं मिल पाया, उनकी भी कुछ स्थिति गड़बड़ी चल रही होगी जिसके कारण वो नौकरी नहीं पाए। बहुत से दोस्त हमारे ही तरह हैं, बहुत से दोस्त आगे निकल गए। पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक स्थितियाँ नहीं, जैसे आप इस तरह की जब स्टोरीज चलती है तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में नहीं भेजना चाहिए, वहाँ पे सफलता नहीं, इस तरह की तमाम चीज़ें रहती हैं। पर बहुत से अभी भी स्पोर्ट्स के लोग हैं जो अब नहीं खेल पा रहे हैं, एज लिमिट का कुछ चक्कर होता है और तमाम वो चीज़ें होती हैं, तो नर्वस होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये तमाम लोग जो हैं, जो अभिभावक अभी देख रहे हैं आपको और इस तरह के ख्यालात रखते हैं कि बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलती है, और बहुत से वो खिलाड़ी जो आपके साथ रहे होंगे, आपके जूनियर रहे होंगे, और वो अभी इस फेज से गुजर रहे हैं जो फेज चल रहा है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहें? क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी खेल का लाइन ख़राब होता है, बहुत सक्सेस है। अपने बच्चों को खिलाइए, हर कोई भी गेम, हॉकी नहीं, हर गेम खिलाइए, उनकी थोड़ी सपोर्ट करिए, बच्चा आगे निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पंचर बना रहे हैं तो आपका बेटा भी पंचर बनाएगा, बहुत सफलता मिलेगी। खिलाड़ी निकल रहे हैं, और एज बाउंडेशन ये है कि आर्मी में 23 साल तक ही लिए जाते हैं और रेलवे में 25, एज ख़त्म हो जाती है तो दिक्कतें आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिली, मिलेगी नौकरी, ज़रूरी नहीं कि मेरी किस्मत हम यहाँ है तो आपका बेटा भी पंचर बना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों को जो है खिलाइए, पढ़ाइए भी साथ में, और कोई ना कोई गेम खिलाइए जिससे बच्चों का शरीर भी फिट रहेगा, माइंडली भी फिट रहेंगे वो। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इन्होंने बताई। आपकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या सर, आप तो ग्राउंड नहीं जा पाते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, फिर हमसे बड़े वाले भाई हैं, उनको कैंसर हो गया तो पैसे की दिक्कत है, और ये दुकान संभाल, सुबह 9 बजे चले आते हैं, रात में 9 बजे तक रहते हैं, आर्थिक कारणों की वजह से ये यहाँ पर टाइम। जो भी टूर्नामेंट वगैरह होता है उसमें इच्छा तो करती है, लेकिन जिम्मेदारी की वजह से हम जा नहीं पाते। जैसे कुछ समय पहले तक आपको, अगर जो लोग देख रहे होंगे इस वक्त पे वीडियो पे और सोशल मीडिया पे अगर आपको देखेंगे और वो फोटोज वगैरह आपके देखेंगे जहाँ पे आप एम्पायरिंग करते हुए हैं, शायद ना पहचाने लोग, तो क्या अब भी आप वो सारी चीजें करते हैं, एम्पायरिंग वगैरह? एम्पायरिंग करते हैं सर। एक जो खिलाड़ी का खेल का कीड़ा होता है वो कभी नहीं मरता, जाए वो लास्ट स्टेज पे रहे, उम्र उसका हो जाए 60, 70, 80 साल, बस सुन लेगा कि टूर्नामेंट हो रहा है तो वो पहुँचेगा। खेल की ऐसी भावना होती है खिलाड़ी के अंदर कि वो खेल के लिए कहीं भी जा सकता है, और हमको बुलाया जाता है ऑफिशियल के लिए, अंपायरिंग के लिए हम जाते हैं, और ये तमाम चीज़ें अभी अंपायरिंग वगैरह आप कर रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं आपकी, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको क्या उम्मीदें हैं अभी जीवन से? जैसे अभी भी आप फिट हैं, अभी देखने में पूरी सारी चीज़ें सलामत लग रही हैं, तो क्या उम्मीदें आपको लगती हैं कि आगे और भी चीज़ें हो सकती हैं? नहीं, कर सकते हैं भाई अब, लेकिन जिम्मेदारी है जिसकी वजह से हम ग्राउंड में टच में नहीं है, जाने की कोशिश करते हैं लेकिन जिम्मेदारी नज़र आती है सामने, इसलिए ग्राउंड नहीं जा पाते। लेकिन कोई टूर्नामेंट, कोई ऐसा कुछ होता है तो फिर जाना पड़ता है, ये देखे कि हाँ खेल हो रहा है, खेल की भावना जो दिल में है वो ख़त्म कहाँ होगी। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो, जिसे मैं आज बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आप इन परिस्थितियों को भी देख रहे हैं, ये चीज़ें चला रहे हैं, आपके घर की जो परिस्थितियाँ हैं उसको संभालने के लिए जो काम भी आपको करना पड़ा, ये तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं। इसके साथ आपके साथ जो लोग थे वो अलग अलग, जैसे आपने बताया, अलग अलग डिपार्टमेंटों के हैं और तमाम जगहों पे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं,
आप अभी जो खेल का जो माहौल चल रहा है, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं और जिस तरह से कुछ लोगों को चीजें मिल रही हैं, जैसे प्लेस पड़ जाता है नेशनल में, इस तरह की चीजें हैं कि प्लेस पड़ता है तो ही नौकरी मिलती है और बहुत से लोगों को वो नहीं मिलती है, तो सिस्टम से आपको अगर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? सिस्टम से क्या सर, ये ग्रुप डी खुलनी चाहिए जिससे टीम जाती है 18 की, 18 ही मेडल लेके आएंगे। 50 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो 50 के पास मेडल नहीं ना रहेगा, 18 खेलेंगे 18 की जॉब लगेगी। जब से ग्रुप डी बंद हो गई है, ये ग्रुप डी बंद होने के चक्कर में खिलाड़ी बर्बाद हो रहे हैं। ग्रुप डी खुलनी चाहिए, ग्रुप डी खुल जाए, हर विभाग में खुलनी चाहिए। हाँ, तो खिलाड़ियों की स्थिति थोड़ी सी वो सही हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती, बिल्कुल, और हर डिपार्टमेंट में खुलनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट में खुलनी चाहिए। ये खुर्शीद अहमद थे, इन्होंने जो बातें बताई, इन्होंने खेल के और खिलाड़ियों के हर एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है, हर पहलू के बारे में बात की है कि किस तरह से खेलते हैं लोग, और खेलने के बाद जैसे ग्रुप डी का इन्होंने जिक्र किया कि अगर ग्रुप डी सिस्टम से इनका सवाल है और ये एक अपील है कि सिस्टम से अगर ग्रुप डी की नौकरियां खोल दी जाएँ तो खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है, क्योंकि खिलाड़ी जो होते हैं, जो अमूमन उनकी जो नौकरियाँ होती थी ग्रुप सी और ग्रुप डी में होती थी, ग्रुप सी की अभी भी आती है लेकिन वैकेंसियाँ बड़ी कम आती हैं, इस तरह की तमाम शिकायतें होती खिलाड़ियों की कि बहुत कम वैकेंसी आ रही, और ये हर डिपार्टमेंट पे होना चाहिए। और ये खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए हर स्कूल में एक टीचर अब रखे जाते हैं, जो टीचर रखे जाते हैं पढ़ के आते हैं, बीपीएड करते हैं, एमपीएड करते हैं, तमाम मानक हैं उनके, उसके थ्रू आते हैं, लेकिन स्कूलों में भी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है आती है, नौकरियां आती हैं, उसमें भी खिलाड़ियों को चांस मिलना चाहिए। जो खिलाड़ी पीछे रह गए उन्हें ग्रुप डी में, जैसे स्कूल हो गए और तमाम ऐसे और भी ऑफिसेज हैं जहां पे ग्रुप डी में अगर भर्तियां मिलती रहें तो इन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए और एक तरह से लोगों के लिए इंकरेजमेंट होगा। आने वाली जो जनरेशन है, अगर हम विराट कोहली को देख पा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर को देख पा रहे हैं और हॉकी के तमाम बड़े खिलाड़ियों को अगर देख पा रहे हैं जो डीएसपी बने हैं, अभी ललित शर्मा है, ललित उपाध्याय हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें डीएसपी बनाया गया है और इस तरह की तमाम पोस्टें जो दी जा रही हैं, तो एक तो वो मानक सेट कर रहे हैं, यानी कि जो जीत रहे हैं वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो असफल हो जा रहे हैं, जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ प्रावधान होना चाहिए ताकि उन प्रावधानों से इन्हें मोटिवेशन मिल सके, आने वाली जनरेशन को मोटिवेशन मिल सके और खेल में हमारा देश और आगे बढ़ सके। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जमा सिद्दीकी, आप देख रहे थे मीडिया लैंडर।